इंदौर डीआईजी कार्यालय के बाहर महिलाएं थाना के बाहर इन दिनों पुलिस प्रशासन और स्मार्ट सिटी मिलकर कारखाने में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुविधा घर तैयार कर रहे हैं। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सूरज वर्मा ने बताया कि महिलाओं की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी और पुलिस प्रशासन की मदद से डीआईजी ऑफिस में महिला थाना के बाहर एक सभागृह भी बनाया जाएगा, जो वेटिंग हॉल की तरह होगा। यहां पर छोटी मोटी दवाइयां, डायपर जैसी सुविधाएं भी प्रदान होंगी। हालांकि सूरज वर्मा ने यह भी साफ किया कि इस जगह पर महिलाओं को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं दाहिने तरफ, ये एक स्मार्ट सिटी और पुलिस के कोलैबोरेशन से यहाँ पे एक महिलाओं के लिए एक सुविधा सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पे महिलाएं आकर अगर कोई मार्केटिंग करने आए हैं या किसी भी परेशानी में आके यहाँ पे रेस्ट कर सकती हैं। अगर उनके साथ छोटा बच्चा है तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग की भी सुविधा रहेगी। वहाँ अगर कोई डिस्पेंसर्स रहेंगे, आपको कोई भी समय मास्क चाहिए, डायपर चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज़ें चाहिए, तो कुल मिला के एक जो इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किया है। और चूंकि महिला थाने में लगातार महिलाएं आते रहती है, 24 घंटे आती रहती है, और महिला थाना उस हिसाब से बहुत उसमें जगह है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि कोलैबोरेट करके इसी जगह पे इस सेंटर को बनाया जाए, जिससे कि मैक्सिमम महिलाओं को लाभ मिल सके। सर, इसी प्रकार से वहाँ भी बनाया जा रहा है डीआईजी ऑफिस में भी? डेफिनेटली स्मार्ट सिटी ने कई जगह शहर में चिन्हित किए हैं जहाँ ज़्यादा महिलाएं आती जाती हैं और जहाँ उनको ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर छोटा बच्चा उनके साथ होता है तो उनके लिए बहुत सारी उनको समस्याएं रहती है, तो उसके लिए एक उपयुक्त जगह हो जहाँ वो रिलैक्स कर सके, कोई समस्या है, छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है वो मिल सके। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो रीगल सेंटर है जहाँ डीआईजी ऑफिस का कार्यालय, एसपी हेडक्वार्टर का कार्यालय, वहाँ महिलाएं लगातार आती हैं, महिला थाना में तो 24 घंटे ही आती है, तो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से रिक्वेस्ट करके कि इन दोनों लोकेशन पर डेफिनेटली इनको भी चयन किया जाए, और इसके अलावा स्मार्ट सिटी और जगह पर भी इसको चयनित कर रही है।